फाइनली वन पीस एपिसोड 1112 आ चुका है और आफ्टर 25 इयर्स फाइनली हमने शैंक्स को लड़ते हुए देखा, पर शायद उसे फाइट कहना भी गलत होगा क्योंकि जिस तरह से शैंक्स ने फाइट में एंट्री ली और एक सिंगल मूव के साथ पूरी की पूरी फाइट को खत्म कर दिया, उसे शायद फाइट में कंसिडर नहीं करना चाहिए। देखो, शैंक्स ने उसे पहले भी लास्ट एपिसोड में वॉर्न किया था कि वो अपने पोनोग्लिफ की कॉपी शैंक्स को देकर वहां से चला जाए। आफ्टर डिफीटिंग बिग मॉम एंड काइडो, किड को लगा कि शैंक्स को डिफीट करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शायद इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग या वीक क्यों ना हो। और उस फाइट का फिनिशिंग मूव डोरी और ब्रोगी ने परफॉर्म किया, जिससे मुझे वो सीन याद आ गया जब डोरी और ब्रोगी ने लूफी और उसके क्रू की मदद की थी। और साथ ही साथ हमें पता लगा कि अब शैंक्स ब्लैक बियर्ड को ढूंढ रहा है। अब अगर शैंक्स ब्लैक बियर्ड को ढूंढ रहा है तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि आने वाले टाइम पे कितना बड़ा कांड होने वाला है। देखो, ओवरऑल एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था, पर अगर इसकी पेसिंग थोड़ी सी और ज्यादा फास्ट होती तो शायद हमें और ज्यादा मजा आता। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वन पीस हमेशा से बदनाम रहा है अपनी पेसिंग को लेकर।